जी, मेरा नाम राम देवी है। मैं नेता नगर में रहती हूँ और मकान नंबर 5 में रहती हूँ। मेरे 4 लड़कियाँ हैं, 2 लड़के हैं और मैं सब्जी लगाती हूँ। मुझे पैसा, घर की गरीबी अवस्था देख के मुझे कुछ भी करना पड़ जाता है कि अपना शरीर बेचने की छोड़ के बाकी मैं सब धंधा कर लेती हूँ। कुछ भी पैसा पैदा करने के लिए मैं सब काम कर लेती हूँ। चौका बर्तन भी कर लेती हूँ, डलिया भी धो लेती हूँ, सड़क के ऊपर डलिया भी धो लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि गरीबी ऐसी चीज़ होती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे 4 लड़कियाँ हैं सड़क पर निकली हैं, और या 4 लड़के पड़ोसे में हैं तो वो लड़कियों को छेड़छाड़ करते हैं, या मैं पुलिस में लेके जाती हूँ कि मेरी बच्चियों के साथ ऐसा क्यों होता है। तो वहाँ पे जो पैसे वाले हैं, लड़के हैं, वो पैसे वाले दौड़ के घूस भर देते हैं। हमारे वहाँ पे सुनवाई नहीं होती, हम वहाँ से चुपचाप लौट आते हैं। फिर हम थाने जाते भी, थाने में कोई सुनवाई नहीं होती है। क्यों तुम्हारी लड़कियाँ बाहर निकलती हैं, क्यों ऐसा पहन के निकलती हैं, ये सब गरीबों के लिए क्या हो रहा है। गरीबों के लिए तो कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जो ये गरीबी भी दूर हो और बच्चों न अच्छा पहन सकें, न अच्छा खा सकें, और खाली रूप रंग में लोग जीने नहीं देते। तो हम चाहते हैं कि हमारी लड़कियां आगे बढ़ें, पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़ें, कि जो वो अपने बारे में, जीने के बारे में कुछ सोचें कि हमको कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पहनना है। तो ये चीज़ के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि ये चीज़ के रोक लगाई जाए, कि गलत लड़कियों के बारे में जो सोचा है वो रोक लगाई जाए। हम दहेज के लिए, शादी करने के लिए लड़का ढूंढते हैं, वो कहता हमें 50,000 रुपया चाहिए, हमें प्लाट चाहिए, दासी के पास कुछ है नहीं तो क्या दे। अब वो लड़कियां शादी करके ले जाते, देखिए अच्छी लड़की है, सुंदर लड़की है, उसको ले जाते हैं, ले जा कहते तुम्हारा बाप 50,000 रुपये दे तो मैं तुमको अच्छा खिलाऊँ, अच्छा पहनाऊँ, अच्छा रखूँ। अब माँ बाप के पास 50,000 तो रुपये है नहीं तो वो कहाँ से दे। फिर वो लड़कियों को क्या करते हैं, गला दबा के फांसी लगा देते हैं, कहते हैं उसने अपने आप अत्याचार कर लिया। उसके बाद में जब पुलिस आती है वो भी कहती है अरे ये तो अपने आप फांसी लगा ली, कोई सुनवाई नहीं होती। ये क्या हम चाहते हैं कि ऐसा बच्चियों के साथ ना हो। बच्चियाँ कुछ आगे बढ़ सकती हैं, बच्चियाँ भी कुछ कर सकती हैं। जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करती या तो ससुराल वाले नहीं बढ़ने देते या तो पड़ोसी नहीं बढ़ने देते। उसके बाद में क्या होता है कि जब है कि ये अत्याचार मिटाया जाए तो हमारी कहीं पर सुनवाई नहीं होती। कहीं पे सुनवाई नहीं होती तो क्या होता है, या फिर हम अपनी आत्महत्या कर लें। घरेलू हिंसा रोको और बेल बजाओ।